ये रिश्ता क्या कहलाता है। रॉयल चेक भिजवा रहा हूँ, कैश निकलवा के रख लो। वो वर्कर्स का दिवाली बोनस वीडियो है और बाकी भी बहुत सारी पेमेंट्स करनी है। गोयल ऑफिस वाला। गोयल साहब, मनीष सर आपको पैसा देने वाले ना, कैश। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे तो ये भी पता है कि आपका घर बिकने की नौबत आ गई और आपको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? उन 5 करोड़ में से 4.5 करोड़ हम उस सरकारी अफसर को दे देते हैं जो टेंडर पास करने वाला है, और बाकी के 50 लाख आप रख लो। आपका घर भी छूट जाएगा और फिर ये नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? अरे आप आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? मेरी बात मान लो, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। खुश रहोगे, नहीं तो फिर पैसा देके अपना हिस्सा लेके नौकरी छोड़ के चले जाओ और बाद में फिर ये शहर भी छोड़ देना। और तुम? फिर वही सवाल, अरे मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप सिर्फ अपने काम से काम रखो। सर जी, 4.5 करोड़ रुपए कार्तिक गोयनका ने भेजे हैं, एक छोटी सी भेंट। वो आज टेंडर खुलने वाला है ना, उसी के लिए। नाश्ता? चाचू कार्तिक, कॉफी? नहीं जी, हमने गुरुजी से कहा था कि किट्टू के नाम की पूजा करवाए, सब ठीक होगा, तुम देखना। हेलो, मिल गया हमें। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें। हमें मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बड़ा दिन है आज। आज मेरे बेटे का नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यू नो, तुम अगर ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह पूरा, अच्छी तरह क्या, अगर क्या तुम पूरा कर ही लोगे अच्छी तरह, तो मार्केट में तुम्हारी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, नाम हो जाएगा तुम्हारा। इस मिठाई का असली हकदार तुम, मैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से ही तो मिला है कार्तिक को। शुरुआत तो अच्छी हुई, अब आगे देखो। सर वो माफी चाहता हूं,
ऐसे डिस्टर्ब किया, पर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर सर। मैनेजर को दे देना। अचानक क्या हुआ आर्यन? नायरा तुम क्यों उसके मुंह लग रही हो? इस तरह के लोगों की फितरत मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब तक काम नहीं करना पड़ रहा था तो काम चाहिए था, अब नौकरी दे दी तो काम करना पड़ रहा है, इसलिए नौकरी छोड़नी। ऐसी बात तो नहीं है सर जी, काम तो हमने यहां पर भी बहुत किया है, तो हमारी नौकरी लग गई है तरकी में और सैलरी भी अच्छी मिल रही है, और वैसे भी यहाँ कोई हमें पसंद तो करता नहीं है सर, तो हमारे रुकने या ना रुकने से किसी को कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, हर इंसान की अपनी जगह होती है। खैर, ऑल द बेस्ट आर्यन। आर्यन, सैलरी ऑफिस से ले लेना। नहीं बड़े भैया, आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सैलरी की जरूरत नहीं, चलता हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं है सब नाटक करने की। अभी ये कह रहे हो कल मीडिया यूनियन किसी को भी लेकर आ जाओगे, मेरा हक नहीं दिया। ज़्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, अपने ड्यूज लेकर जाना और एक काम करो, ये भी रखो, आज मेरे बेटे की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, बोनस बख्शीश कुछ भी समझ कर रख लेना। सिर्फ कार्तिक के नाम का है, इसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी। कैसे? सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, गारंटी, सिक्योरिटीज, सब पे उसी के सिग्नेचर्स हैं। इसका मतलब सारी आंसरेबिलिटी, सारी जिम्मेदारी सब कुछ उसी की होगी। अगर सब कुछ सही चला तो ठीक है, लेकिन अगर जरा सा भी कुछ भी इश्यू हुआ तो कार्तिक आओ ना। आप लोग मेरी टेंशन में ना? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बेटा। उतना भी केयरलेस नहीं हूँ मैं कि खुशी और एक्साइटमेंट में भूल जाऊं कि आप लोगों ने सारा हक तो मुझे दे रखा है लेकिन जिम्मेदारियां भी खुद ही लिए हुए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सच सच बताइए, क्या मुझे इस हॉलीडे के लिए जाना चाहिए? ऑफ कोर्स जाना चाहिए, बिल्कुल जाओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, सोच समझ के जवाब दीजिए। मैं हॉलीडे पे जाकर काम को इग्नोर करूं या मैं काम करके नायरा को इग्नोर करूं? दोनों ही चीजें ठीक नहीं होगी। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है लेकिन इतना सोचना नहीं चाहिए। हाँ कार्तिक, तुम हॉलिडे पे जाओ, यहाँ का हम संभालेंगे। आप समझ नहीं रहे चाचू मैं क्या बोल रहा हूँ कि अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, तुम हॉलिडे पे जाओ, एंजॉय करो और वहां से वापस आके बिल्कुल तन मन धन से लग जाना, तब तक तुम्हारी अमानत को हम लोग संभालते हैं। क्यों भाई? बहुत बढ़िया प्लान है मेरा बेटा, देश छोड़ने से पहले कार्तिक गोइंका को फंसा दूंगा और भाग जाऊंगा इन सबसे बहुत दूर। भाग पाओगे? अरे एक्सीडेंट करने के बाद कितना अफसोस हुआ था तुझे, याद है कि भूल गया और फिर से वही करने चला? देख आर्यन कुछ भी हो, है तो वो तेरे माँ बाप और भाई, वो सारी निशानियां, वो सारे समझो जो ये साबित करते हैं कि वो आपका बेटा नहीं मेरा बेटा है, वो सब दूर ले जाए। कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं, पता नहीं माँ बाप ने भी ना कोई ढंग सिखाया ना ही कोई तमीज। कुछ नहीं लगते वो लोग मेरे, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है और मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है, गलत मेरे साथ हुआ है, ये तो सिर्फ उसका ही जवाब है जो मैं दूंगा और कल देके जाऊंगा। ये रिश्ता क्या